हेलो एवरीवन, क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर है 6। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। ये चित्र आपको दिया हुआ रहेगा। चित्र में देखिए त्रिभुज ए बी सी है, ए बी पर एक बिंदु डी है और ए सी पर एक बिंदु ई है। बी ई और सी डी को मिला दिया गया है। तो उसमें एक चीज़ दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ए बी ई, देखिए त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी की। तो आपको सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, यानी ए डी ये छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज के समरूप होगा। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो वो आपके आगे का रास्ता को सरल बना देता है। अब देखिए त्रिभुज ये भी ई सर्वांग सम ए सी डी क्यों दिया हुआ है, आपका रास्ता निकाल दिया है। वो कोण ये और कोण ये को बनाने वाली भुजा अगर एक ही अनुपात में आप सिद्ध करके दिखा देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। चूँकि त्रिभुज ये बी ई, देखिए ये बी ई ये त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी ये दिया हुआ है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। आप ये पहले से जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो आप जब बराबर होती है तो देखिए त्रिभुज ए बी ई इसका एक भुजा ए ई है और त्रिभुज ए सी डी इसका एक भुजा ए डी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई, इसको समीकरण आप एक में रख दीजिए। और देखिए ये बी बराबर ए सी, चूँकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ए बी बराबर ए सी, इसको समीकरण दो में रख दीजिए। आपको सिद्ध करना क्या है, दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। अब देखिए समीकरण एक को दो से भाग दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण एक को दो से भाग देने पर, भाग देने पर समीकरण एक को दो से भाग देने पर क्या नतीजा निकलता है वो आप देखिए। देखिए ए डी बटे ए बी कर देते हैं सबसे पहले हम, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, देखिए भाग दे दिए। आप यहाँ पहले फिगर में गौर कीजिए, ए डी बटे ए बी और ए ई बटे ए सी, ये आपने करके दिखा दिया। साथ ही कोण ए बराबर कोण ये, देखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में कोण ये बराबर कोण ये और ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो आप जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुजों में ये कोण बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली भुजा, देखिए ये कोण ये जो है त्रिभुज ए बी सी में भी है और त्रिभुज ए डी ई में भी है, और त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी की भुजा एक ही अनुपात में जो हमने यहाँ करके दिखा दिया है, इन दोनों से क्या सिद्ध होता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसमें जो शर्त लागू हुआ वो शर्त है क्या, भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी यस ये यस भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये प्रूफ करना था आपको, जो आपका प्रूफ हो गया।